सभी को प्रणाम। आज का जो विषय है आपकी आदतें ही आपका भविष्य है। तो गुरुदेव ने कई जगह बताया है कि मनुष्य को ईश्वर ने बराबर बराबर क्षमता दिया है, तो कुछ लोग आगे बढ़ पाते हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक बार हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, कमर सीधी कर ले, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और यह कल्पना करें कि सूर्य की ऊर्जा हमारे आपके शरीर पर पड़ रही है और हमको आपको अंदर से बाहर से प्रकाशित और ऊर्जावान बना रही है। ओम भूर्भुवः श्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आपको कोई नई बात नहीं बताऊंगा, हम और आप ये सारी बातें जानते हैं, सिर्फ हम लोग रिपीट करेंगे। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बचपन में चले जाइए और यह मानकर चलिए कि आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, क्लास 7 और 8 के बेंच पर बैठे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसी तरीके से 7, 8, 6, 9, 10 के बच्चों को जाके समझाना है। मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। और हम लोग बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो पहले पूछते हैं कि आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या, हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर बोथ वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। कभी आपको इच्छा हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या, हाँ या ना। आप चैट बॉक्स में यस और नो डाल सकते हैं। शैली का जन्मदिन था, बर्थडे की पार्टी चल रही थी, मेहमान आए हुए थे, लोग तरह तरह के उपहार दे रहे थे। तभी शैली ने देखा कि 2 काले बच्चे उपहार लेकर आ रहे हैं। ये 2 वही काले बच्चे थे जो शैली के यहाँ नौकरी करते थे। बड़ी बहन जिसकी उम्र 14 साल थी और छोटा भाई जिसकी उम्र 8 साल थी, दोनों काफी गरीब थे। लेकिन दोनों ने सोचा, मालकिन का जन्मदिन है और हमें भी कुछ छोटा सा उपहार देना चाहिए। दोनों के पास बहुत थोड़े से पैसे थे, लेकिन फिर भी वो बाजार गए और मालकिन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीद कर लाए। लेकिन जैसे ही शैली ने इन 2 काले गरीब बच्चों को देखा, वो पागल हो गई और उसने जोर से चिल्लाया, जाओ बाद में आना। ये दोनों बच्चे रोने लगे और हॉल के बाहर चले गए। छोटा भाई काफी जोर जोर से रोने लगा और अपनी बड़ी बहन से पूछता था, सिस्टर वाई वी आर ब्लैक, वाई वी आर पुअर। बड़ी बहन समझ नहीं पा रही थी कि छोटे भाई को क्या समझाएं। थोड़ी दूर पर समुद्र का एक किनारा था। दोनों उस समुद्र के किनारे पर गए और वहां देखा कि एक गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था। वो रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था, कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे और कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। काला गरीब बच्चा दूर से देख रहा था, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। गुब्बारे वाले के पास गया और पूछा, अंकल आप ये लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे तो उड़ा रहे हो, लेकिन काला गुब्बारा नहीं उड़ा रहे, क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा निकाला, गैस भरी, उड़ा दिया। तो काला गरीब बच्चा जो अभी तक फूट फूट कर रो रहा था, उस काले गुब्बारे को उड़ता देखकर खुश हो गया, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, अरे बेटा क्या हुआ, अभी तो तू खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, क्या आप मुझे ऐसा कोई रास्ता बता सकते कि मैं भी इस गुब्बारे के तरह उड़ सकूँ, आगे बढ़ सकूँ? गुब्बारे वाले की आंख भर आई, उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा तुमने देखा, मैंने जिस भी गुब्बारे में गैस भरी वो गुब्बारा उड़ गया। कहने का ये मतलब है बच्चों कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो
वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, उसी तरीके से वो काले गरीब बच्चे को गुब्बारे वाले ने समझाया कि बेटा गुब्बारा रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। उसी तरीके से कोई भी विद्यार्थी गोरे और काले की वजह से आगे नहीं बढ़ता, अमीर और गरीब की वजह से आगे नहीं बढ़ता, नाटा और लंबा होने की वजह से आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ एक और एक वजह से आगे बढ़ता कि उसके अंदर सोच कौन सी चल रही है, वो सकारात्मक सोचता है या नकारात्मक सोचता है। अगर वो यह सोचता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं और मैं आगे बढ़कर ही रहूंगा, तो यह उसकी सोच उसको जरूर आगे बढ़ाती है, गुब्बारे की तरह ऊपर लेके जाती है। लेकिन अगर वो बच्चा नकारात्मक सोचता है कि मेरे पास साधन नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये नकारात्मक सोच उसको आगे बढ़ने से रोकती है। बेटा, पॉजिटिव थिंकिंग इज एक्सेलेटर। गाड़ी चलाना है तो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक्सेलेटर की जरूरत होती है। एंड नेगेटिव थिंकिंग इज ब्रेक। गाड़ी को रोकना है तो ब्रेक लगाना पड़ता है। अगर बेटा तुम गाड़ी में ब्रेक लगा दोगे और कहोगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? इसलिए अगर तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम पॉजिटिव थिंकिंग करो। और एक बात और बताता हूँ बेटा, तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। तुमको भगवान ने, प्रकृति ने 3 साधन दिए हैं। साधन नंबर 1, तुम्हारे पास दिमाग है। दिमाग गरीब का हो या अमीर का हो, अगर दिमाग को पढ़ाई में लगाया जाए तो दिमाग को पढ़ाई समझ में आएगी। आएगी या नहीं आएगी? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, हाँ अंकल आएगी। दूसरा प्रश्न किया उसने गुब्बारे वाले ने कि बेटा तुम्हें भगवान ने 24 घंटा समय दिया है, गरीब हो या अमीर हो, 24 आवर्स टाइम सबके पास है, और अगर तुम इस 24 आवर्स टाइम का अपने आप को आगे बढ़ाने में उपयोग करोगे तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और तीसरा साधन जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी। एनर्जी गरीब हो या अमीर हो, ईश्वर ने सबको दिया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, और अगर तुम अपनी ऊर्जा का अपने आप को आगे बढ़ाने में उपयोग करोगे तुम जरूर आगे बढ़ोगे। वो काला गरीब बच्चा बोला, अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा और अपने दिमाग का, समय का, ऊर्जा का अपने आप को आगे बढ़ाने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा जीवन में काफी आगे बढ़ा। विद्यार्थी मित्रों, जब वो काला गरीब बच्चा अपने दिमाग का, समय का, ऊर्जा का और सकारात्मक चिंतन का उपयोग करके आगे बढ़ सकता, तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? जरूर आगे बढ़ सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की एक घटना है। भारत के प्रधानमंत्री थे, बचपन का नाम नन्हे था, पिताजी नहीं थे, माँ गरीब थी। एक दिन की बात है, शिक्षक ने कहा, नन्हे कल किताब लेके आना, नहीं तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। अब किताब कहाँ से लाए, गरीब है, पैसा नहीं। कोई दूसरा विद्यार्थी होता तो एग्जाम देने जाता? नहीं जाता। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन से ही सकारात्मक चिंतन के व्यक्ति थे। उनका ध्यान समस्या पे नहीं रहता था, समाधान पे रहता था। ही वाज सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। और आप जानते हैं, किसी एक स्पीकर ने कहा है कि समस्या को समस्या समझना सबसे बड़ी समस्या है, और लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन से समस्या को समस्या नहीं समझते थे। वो यह समझते थे कि समस्या है तो समाधान भी होगा। उन्होंने सोचना शुरू किया क्या करें। और आप जानते हैं कि जब हम सोचना शुरू करते हैं तो हमारा ही दिमाग हमें कोई ना कोई हल देता है, और उनको हल दिखा। वो अपने मित्र के पास गए रात में और बोला, मित्र तू तो रात में सो जाता है, पढ़ता नहीं है, तू अपनी किताब रात भर के लिए मुझे दे दे। रात भर के लिए किताब लिया और डुप्लीकेट बुक बना लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग टीचर के पास गए और दिखाया। टीचर बहुत खुश हुए, बोले, भाई तो बहुत मेहनती और सॉल्यूशन ओरिएंटेड विद्यार्थी है, तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। और टीचर की बात सच साबित हुई और लाल बहादुर शास्त्री जी जीवन में बहुत आगे बढ़े। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनका आप इतिहास निकाल करके देखिए, सभी महान व्यक्ति इसी तरीके से आगे बढ़े। साधन कम थे लेकिन जो प्रकृति ने उन्हें साधन दिया था, दिमाग, समय, ऊर्जा, उसका उन्होंने उपयोग किया
और वे आगे बढ़ गए। क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि व्हाट यू हैव इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास जो है उसका आप क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास साधन बहुत है लेकिन वे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि तो किताबें हैं, अच्छे स्कूल है, अच्छे टीचर है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करेंगे, उनके मन में इच्छा नहीं होगी, सकारात्मक नहीं सोचेंगे, दिमाग समय ऊर्जा को इधर उधर फेसबुक इंस्टाग्राम दोस्तों से बात करने में लगाएंगे, तो उनको पढ़ाई कहाँ से समझ में आएगी, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर हम और आप आगे बढ़ना चाहते हैं विद्यार्थी मित्रों, तो हमें सकारात्मक चिंतन और अपने दिमाग समय ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा, और जब इतने सारे महान व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं तो हम और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है मित्रों, हम प्रयास करते एक बार दो बार चार बार असफलता मिलती है, प्रयास छोड़ देते। एक हाथी का बच्चा था, उसे जंजीर से बांध दिया गया। हाथी के बच्चे ने जंजीर तोड़ने की काफी कोशिश की, जंजीर नहीं तोड़ पाया। हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, और जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी ऊर्जा बढ़ती गई। एक व्यक्ति आया हाथी के पास, बोला अरे भाई हाथी जंजीर में क्यों बंधा है, कोशिश कर और जंजीर को तोड़ दे। उस हाथी ने कहा अरे भाई मैंने कोशिश की थी, कई बार कोशिश की, जंजीर नहीं टूटी, इसलिए कोशिश करने से कोई लाभ नहीं है। उसने कोशिश नहीं की और जीवन भर जंजीर में बंधा रहा। एक दूसरा हाथी भी था, उसने भी कोशिश की थी, उसे भी असफलता मिली थी। वो व्यक्ति उसके पास गया, उसको बोला अरे भाई हाथी कोशिश करना। उस हाथी ने सोचा कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, उसने कोशिश की और जंजीर टूट गई, हाथी आजाद हो गया। अब आप देखिए पहले वाले हाथी ने क्या गलती की, कोशिश की असफलता मिली, कोशिश बंद कर दी। दूसरे वाले हाथी ने कोशिश की, उसे भी असफलता मिली, बार बार मिली, लेकिन उसने कोशिश बंद नहीं की, दोबारा कोशिश की और सफल हो गया। इसलिए अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें तब तक कोशिश करता रहना पड़ेगा जब तक कि हम सफल नहीं हो जाते। और एक जगह मैंने पढ़ा था, वो व्यक्ति कह रहा था कि मैं इतनी दूर आया हूँ रुकने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। कहने का मतलब यह है विद्यार्थी मित्रों, आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 1 से क्लास 7 में आए, आपने 1 पास किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपने 7 बार एग्जाम पास किया। अब जो विद्यार्थी 7 बार एग्जाम पास किया वो इंटेलिजेंट है या नहीं है? अगर आप विद्यार्थी अपने आप को इंटेलिजेंट मानते तो आप चैट बॉक्स में यस लिखो। वो विद्यार्थी जीनियस है या नहीं है? अगर आप जीनियस मानते तो आप लिखो जीनियस। अगर वो इंटेलिजेंट है, जीनियस है, पर एक बार दो बार असफल हो गया तो क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा, तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक कि उसे सफलता मिल नहीं जाती। और मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। आप सभी सफल हैं और बचपन में आपने वही किया था। बचपन में आप चलते थे, आपको चलना नहीं आता था, आप चलते थे गिर जाते थे, लेकिन क्या करते थे, गिरने के बाद बैठे रहते थे क्या? नहीं, गिरते थे फिर उठते थे, फिर चलते थे, फिर गिरते थे फिर उठते थे, फिर चलते थे। बार बार गिरना उठना, गिरना उठना, चलना, और बार बार प्रयास करते करते आप चलना सीख गए। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि बेटा गिरना लज्जा की बात नहीं है, गिरना लज्जा की बात नहीं है, गिरकर नहीं उठना लज्जा की बात है। अरे गिरेगा वही ना जो चलेगा, जो सोया रहेगा वो कहाँ से गिरेगा? गलती उसी से होगी ना जो काम करेगा। हम लोग कई MBBS स्टूडेंट से मिलते हैं, जितने भी आज सर्जन हुए हैं उन सबों को सर्जरी नहीं आती थी, उन्होंने कई बार गलती की। जितने भी आज ड्राइविंग करते हैं उन सबों को ड्राइविंग नहीं आती थी, कई बार गलती की, लेकिन लगातार कोशिश करते रहे और सब, कोई ड्राइवर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ गया, कोई किसी ने आत्म परिष्कार कर लिया। गुरुदेव कहते हैं
कि बेटा आत्म परिष्कार का रास्ता अगर तुमने अपनाया है तो इसमें पग पग पर कठिनाई मिलेगी, लेकिन कोशिश करते रहना, एक दिन सफलता तुमको जरूर मिलेगी। और बचपन की कहानी हमें याद है, आप याद कीजिए अपने बचपन को, जब आप नर्सरी में थे, आपने ए के ऊपर लिखना शुरू किया, आपको ए भी लिखना नहीं आता था, आपने ए के ऊपर प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया, बार बार प्रैक्टिस किया, आप ए लिखना सीख गए। आप क्लास 7 और 8 के स्टूडेंट हैं, आज भी आपको कई सेंस का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ए के तरह बाकी चीजें भी आप सीख जाएंगे। और प्रयास करना किसके हाथ में है? प्रयास करना हमारे और आपके हाथ में है। और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? प्रयास करने से हम और आप आगे बढ़ेंगे। और अगर हम और आप प्रयास करें तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। कि हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चों से प्रश्न करते हैं कि बेटा प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा, तो बच्चे बोलते हैं हम बढ़ेंगे। फिर हम उनसे प्रश्न करते हैं कि बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है, सभी बच्चे बोलते हैं आसान है। फिर हम प्रश्न करते हैं, आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आप क्लास 7-8 के स्टूडेंट हैं, कि जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अपयश मिला या नहीं मिला? मिला। अपयश मिलने के बाद उन्होंने प्रयास बंद रखा या चालू रखा? अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? नहीं बनते। हम बच्चों से फिर प्रश्न करते हैं, हम आपसे प्रश्न करते हैं, आप क्लास 7-8 के स्टूडेंट है, कि आपको महान व्यक्ति बनना है क्या? अगर आपको महान व्यक्ति बनना है तो आप चैट बॉक्स में यस लिखो। अगर आपको महान व्यक्ति बनना है तो आपको प्रयास चालू रखना है कि बंद रखना है? और इतिहास गवाह है कि जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी व्यक्ति ने प्रयास चालू रखा, वो आज न कल महान व्यक्ति बन गया। और जब लोग आतंकवादी बन जाते, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है तो उसको कश्मीर में कोई ना कोई आतंकवादी मिल जाता। तो हम और आप तो जब किसी अच्छे काम में लगे हैं, हमारे साथ हमारे गुरुदेव की ऊर्जा है, प्रकृति मदद कर रही है, हम लगातार प्रयास करेंगे तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ेंगे? जरूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए सफलता का दूसरा नियम है प्रयास करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम प्रयास भी करते बट कई व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलती। आप कहेंगे क्या कारण है? कारण ये है कि हमारा मन इतना पावरफुल हो जाता। डॉक्टर चिन्मय भैया का मैंने सुना था कि मन एक उपकरण है, लेकिन हम मन को ही सारा अधिकार दे करके छोड़ देते हैं। और मन इतना पावरफुल हो जाता कि वो बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता। एक जंगल में आग लग गई और उस जंगल में एक अंधा व्यक्ति था, एक लंगड़ा व्यक्ति था। अंधे व्यक्ति को दिखता नहीं और लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता। अब जंगल में आग लग गई है, बाहर कैसे आए? आप विद्यार्थी हैं, 7-8 के स्टूडेंट हैं, आप कहेंगे भाई मुझे क्या मतलब, न मैं जंगल में हूँ, न मैं लंगड़ा हूँ, न मैं ब्लाइंड हूँ, मतलब है ना? आप जब सवेरे 6 बजे उठते, अलार्म लगाते, बहुत सोच समझ करके रात में, मैं भी अलार्म लगाता हूँ, अलार्म लगाते, सवेरे अलार्म बजता, बुद्धि क्या कहती, उठ जा भाई, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, एक्सरसाइज करना है। और मन क्या कहता, याद कीजिए सवेरे का समय, मन क्या कहता, अरे 5 मिनट और सो जा, 5 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, 5 मिनट के बाद उठेंगे। और स्नूज, मोबाइल भैया ने स्नूज का बटन दे दिया, स्नूज किया 5 मिनट, फिर 5 मिनट, मन कह रहा 5 मिनट 5 मिनट, बुद्धि कह रही है उठ जा उठ जा। जब आप पढ़ने बैठते, मन कहता अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो एग्जाम को 9 महीने बाकी है। बुद्धि क्या कहती, अरे भाई ये क्लास 8 है, क्लास 6 और 7 नहीं है, सिलेबस बड़ा है, इसे पर डे पढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो साल भर में सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे और लास्ट के 2-3 महीने में रिवाइज भी कर सकेगा। लेकिन मन क्या कहता, अरे भाई छोड़ ना, देख लेंगे ना, लास्ट में 2 घंटा पर डे ज्यादा पढ़ लेंगे ना। और कई बार हम मन की बात मानते, पढ़ाई नहीं करते। लेकिन आप याद कीजिए, जंगल में रास्ता बताने का काम किसने किया था? आंख वाले ने। बुद्धि के पास आंख है, उसे रास्ता मालूम है, और मन, उसको तो रास्ता मालूम नहीं है। तो जो विद्यार्थी मन की बात मानते वो आगे नहीं बढ़ते,
और जो बुद्धि की बात मानते वो आगे बढ़ते, वो सवेरे उठते, पढ़ाई करते, एक्सरसाइज करते और अपने जीवन को सफल बनाते। अब आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक आपकी आदतें आपका भविष्य है। एक सर्वे हुआ, जितने भी लोग सफल हुए वो लोग सिर्फ एक काम जरूर करते थे। आप पूछेंगे विद्यार्थी मित्रों कौन सा काम, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे सफल लोगों में एक काम कॉमन था, ये उस काम को भी करते थे जिस काम को करने का इनका मन नहीं करता था। सवेरे उठने का मन नहीं करता था, फिर भी सवेरे उठते थे और बार बार सवेरे उठ करके सवेरे उठने की आदत डाल लेते थे। एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था, लेकिन बार बार एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेते थे। ज्यादा पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, लेकिन ज्यादा पढ़ाई करने की आदत डाल लेते थे। सच बोलने का मन नहीं करता था, लेकिन बार बार सच बोल करके सच बोलने की आदत डाल लेते थे। और आप जानते हैं जिस चीज की आदत हो जाती वो काम आसान हो जाता। और ये असफल लोग भी आदत डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आदत नहीं डाल रहे, लेकिन ये कौन सी आदत डाल रहे हैं? असफल होने की आदत, लेट तक सोने की आदत, कम पढ़ाई करने की आदत, एक्सरसाइज नहीं करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, फेसबुक देखने की आदत, इंस्टाग्राम, ये सोचते हैं कि अगर हम इंस्टाग्राम नहीं देखेंगे तो इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा। ये लोग आदत डाल रहे हैं, लेकिन असफल होने की आदत डाल रहे हैं। और ये सफल लोग वो आदत डाल रहे हैं जिस आदत से इनको सफलता मिलती, और ये आदत डाल करके ये सफल हो रहे हैं क्योंकि ये अच्छी आदत डाल रहे हैं। और आप जानते हैं अच्छी आदत डालने से आपका भविष्य अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपकी आदत ही आपका भविष्य है। योर हैबिट इज योर फ्यूचर। अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए तो आपको अच्छी आदत डालनी पड़ेगी, और आपको बुरा फ्यूचर चाहिए आपको बुरी आदत डालनी पड़ेगी। और जैसा आपको फ्यूचर बनाना है वैसी आप आदत डाल लें, क्योंकि जिस चीज की आदत हो जाती ना मित्रों वो काम आपके लिए आसान हो जाता। आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपको बचपन में साइकिल चलाना नहीं आता था, आपने क्या किया, साइकिल चलाना शुरू किया, आप गिरे। कई लोग गिर गए तो साइकिल चलाना छोड़ दिया, और कई लोग गिरने के बाद भी साइकिल चलाना जारी रखा, गिरे फिर चलाया। उन्हें साइकिल चलाने की आदत हो गई और आज साइकिल चलाना उनके लिए आसान हो गया। जिन्हें स्विमिंग सीखना था वे सभी स्विमिंग पूल के पास गए। कुछ बच्चे डर से प्लानिंग करते रहे, बाद में कोई टीचर आएगा उससे बात करेंगे और धीरे धीरे स्विमिंग पूल में जाएंगे। उनकी प्लानिंग रह गई, और कुछ बच्चे टीचर के सुपरविजन में स्विमिंग पूल में गए, प्रैक्टिस किया, तैरे और तैरते तैरते उनको तैरने की आदत हो गई और आज स्विमिंग करना उनके लिए आसान है। उन्होंने हर काम को अपने लिए आसान बना लिया अच्छी आदत डाल करके। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, ये सेशन खत्म होने के बाद आप विद्यार्थी मित्रों आप एक लिस्ट बनाना, कौन सी 5 या 10 अच्छी आदत डालेंगे जिससे आपका भविष्य अच्छा होगा, और उस काम को आप बार 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 करते जाना ताकि उस काम की आदत हो जाए, और जिस काम की आदत हो जाती वो काम अपने आप आसान हो जाता। और एक लास्ट बात आपको बताता हूँ, आप विद्यार्थी मित्र हैं, आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। आज अगर 10 साल आपने पढ़ाई की तो आपने जो सोचा है आप वो बन जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान। हमारे गायत्री परिवार में एक चीज बताया जाता है कि भाई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तो सब बनाते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर मतलब अच्छे इंसान हमारे यहाँ गायत्री परिवार में बनाया जाता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, वहां पर पहले अच्छे इंसान के ऊपर फोकस होता है। तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बनो, बट उसके साथ एक अच्छे इंसान जरूर बनना, नहीं तो जीवन भर आप खुशी से दूर रह जाओगे। तो आज आप 10 साल पढ़ाई करोगे तो एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे प्रोफेसर बन जाओगे, और ये 10 साल बर्बाद कर दिया
आप कुछ नहीं बन पाओगे। अगर आप कुछ बन गए तो आने वाले 40 साल आपका जीवन बेहतर होगा, और कुछ नहीं बने तो आने वाले 40 साल आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास, 10 साल की मेहनत, कुछ बनना और 40 साल जीवन आराम से, आराम मतलब बेहतर जीवन बिताना। और दूसरा ऑप्शन है 10 साल बर्बाद करना, कुछ नहीं बनना और 40 साल और परेशान रहना। तो हम लोग एक नारा बताते हैं बच्चों को, 10 साल की मेहनत और 40 साल का आराम। एक्चुअल में आराम से बच्चे ज्यादा समझते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि बेटा 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, तो अभी 10 साल मेहनत कर और जीवन को अच्छा बना और 40 साल आराम से रह। और 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है तो ये सस्ता है, क्योंकि 10 रुपए में हमें 40 रुपए का सामान मिल रहा है। आज कोई मॉल में एड आ जाए, भैया 10 रुपया दो और 40 रुपए का सामान ले जाओ, मॉल में लाइन लग जाएगी। तो अगर आप विद्यार्थी मित्र हैं, आपको 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का बेहतर जीवन मिल रहा है, ये तो बहुत सस्ता सौदा है ना, इसको अपने हाथ से मत जाने दो। और लास्ट बात आपको बताता हूँ, सब ज्ञान हो गया आपको, पूरा संसार ज्ञान से भरा हुआ है, इंक्लूडिंग मी, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन उस ज्ञान को अपनाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति। क्योंकि वातावरण इतना ऊपर नीचे चलता है, आप रुक देख रहा है, आप कैसे अपने आप को रोकेंगे? आपका कोई मित्र, आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो कह रहा है चलो मूवी देख कर आते हैं, आप कैसे रोकेंगे? इसके लिए आपको हाइड्रोलिक एनर्जी चाहिए, आंतरिक ऊर्जा। ये कहाँ से आएगी? ये आएगी गायत्री मंत्र से, क्योंकि गायत्री मंत्र आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा कर देता है, सकारात्मक ऊर्जा, आपकी बुद्धि को सन्मार्ग पे चलाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग करते हैं आधा घंटा, तो आपकी बुद्धि सही मार्ग पे चलती है, क्योंकि गायत्री मंत्र में हम सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पे चलाए। अब बुद्धि अगर सही मार्ग पर चलेगी तो कोई आतंकवादी बनेगा ही नहीं, सब कमांडो बन जाएंगे। तो अगर हमारी बुद्धि सही मार्ग पे चल गई, तो विद्यार्थी की बुद्धि सही मार्ग पे चल गई तो वो पढ़ाई करेगा, डॉक्टर की बुद्धि सही मार्ग पे चल गई तो वो सही तरीके से इलाज करेगा, इंजीनियर की बुद्धि सही मार्ग पे चल गई तो वो देश हित में काम करेगा। इसलिए मेरा ये अनुभव रहा है कि गायत्री मंत्र के अलावा अपनी शक्ति बढ़ाने का, वह शक्ति जो हमें सही रास्ते पे चलाए, कोई दूसरा मार्ग मुझे तो आज तक नहीं मिला। तो अगर आप भी अपना भला चाहते हैं तो आप भी गायत्री मंत्र का चैंटिंग करें सुबह और शाम। ऐसे तो सुबह का समय बेहतर माना जाता है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप शुरुआत करें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, सूर्य का ध्यान करें, क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। क्योंकि लास्ट प्रश्न मैं आपसे करता हूं, आपको पुणे से मुंबई जाना है भाई साहब, और आपने ट्रेन पकड़ लिया सतारा का, तो आप मुंबई नहीं पहुंचेंगे ना। आप बार बार जाके टीटी से पूछेंगे सर मुंबई कब आएगा, मुंबई कब आएगा। टीटी कहेगा अरे भाई ये गलत ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन से उतर नीचे। आपको जाना है सफलता के रास्ते पर, और आप काम करेंगे वो जो आपको असफलता के रास्ते पर ले जाए। आपको चाहिए सफलता के लिए ऊर्जा, और ऊर्जा मिलेगी आपको गायत्री मंत्र से, आपको मेडिटेशन से, आपको प्राणायाम से, आपको योगा से। और आप गायत्री मंत्र, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपको वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, और गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे, गाड़ी को धक्का दे के कितने दिन चलाएंगे। ये मोटिवेशन वगैरह तभी काम करेगा विद्यार्थी मित्रों, जब आपके अंदर ऊर्जा होगी। जो हमारे बाकी के जो हमारे जो भाई साहब लोग हैं, ये आपको उस विषय में ज्यादा बताएंगे। मैं तो सिर्फ गायत्री मंत्र और ध्यान के ही विषय में आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है करोड़ों लाखों लोगों को गायत्री मंत्र और ध्यान करते हुए और उनकी उनके जीवन में परिवर्तन होते हुए। आप लोगों ने हमारी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और मैं चार लाइन में अपनी बात रिपीट करता हूँ ताकि आपको रिकॉल हो, पेन पेपर हो तो आप लिखिएगा भी। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर देते हैं वो गुब्बारा उड़ता है, जो भी स्टूडेंट सकारात्मक सोचेगा वो आगे बढ़ता है। और आपको भगवान ने दिमाग, समय, ऊर्जा दिया है जिसका आप आगे बढ़ने में उपयोग कर सकते हैं। और पहले हाथी ने
बार बार कोशिश नहीं की असफल रहा, दूसरे हाथी ने बार बार कोशिश की सफल रहा। और जंगल की कहानी में हमको बुद्धि की बात सुननी है, सद्बुद्धि की, जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता बताती है। और जितने भी लोग सफल हुए उन्होंने उस काम को भी किया जिस काम को करने का उनका मन नहीं करता था। और आपकी आदतें ही आपका भविष्य है। अच्छी आदतें अच्छा भविष्य, बुरी आदतें बुरा भविष्य। और लास्ट बात जो बताई आपको कि 10 साल मेहनत कीजिए, कुछ बन जाइए और 40 साल अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और जो आपको आंतरिक ऊर्जा चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जो पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, वो आपको गायत्री मंत्र, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा से मिलेगा। ये ऊर्जा अपने आप में भरिए ताकि आप उस ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। देखिए, ये मनुष्य जीवन है, कुछ लोग आगे बढ़ते कुछ आगे नहीं बढ़ते, क्या कारण है? सबके पास तो वही जीवन है ना। अब एक ही मारुति शोरूम से एक आदमी ने एक गाड़ी खरीदी, दूसरे ने सेम गाड़ी खरीदी, एक प्रॉपर चला रहा है एक प्रॉपर नहीं चला रहा है। उसका कारण क्या है? एक मारुति की बात मान रहा है, एक्सेलेटर के जगह एक्सेलेटर, ब्रेक के जगह ब्रेक दबा रहा है, और एक मनमानी कर रहा है। एक क्या कर रहा है? मारुति ने कहा भैया पेट्रोल डालना, वो पेट्रोल डाल रहा है। और एक क्या कर रहा है? मारुति ने कहा पेट्रोल डालना, वो डीजल डाल रहा है। तो प्रकृति ने हमारा जीवन बनाया है, प्रकृति ने सिस्टम बनाया, मैनुअल है प्रकृति का। प्रकृति कह रही ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर, तेरा जीवन बेहतर होगा। हम प्रकृति की बात मानते नहीं जिसने हमारा जीवन बनवाया, हम मारुति की बात मानते नहीं, मनमानी करेंगे तो कार तो हमारा खराब होगा ना विद्यार्थी मित्रों। कार खराब हो गई तो नया ले लोगे, ये शरीर दिमाग जीवन खराब हो गया तो नया कहाँ से लोगे, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जीवन मिला है इसका उपयोग करो, अपने आप को भी समृद्ध बनाओ, परिवार को समृद्ध बनाओ, देश को समृद्ध बनाओ। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप विद्यार्थी मित्रों को, आप अपना भविष्य बना सकते हैं। भाग्य आपका, भाग्य आपके हाथ में है। हमारे गुरुदेव भी कहते थे मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, लेकिन करता क्या है? बोता है कुछ और, उम्मीद करता है कि कुछ और दे दे जमीन, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद।